ओके, तो द लास्ट डायूरेटिक इज़ द पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स, जो कि एज अ नेम इंडिकेट्स पोटेशियम को स्पेयर करने के लिए, पोटेशियम लॉसेस को प्रिवेंट करने के लिए हम देंगे। तो इनका मेनली यूज़ भी हम यही है कि मिनरलो कॉर्टिकोइड एक्सेस में हम देते हैं। मिनरलो कॉर्टिकोइड एक्सेस में व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन एक्सेस होगा तो सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन ज़्यादा होगी और उसके एक्सचेंज में पोटेशियम की सिक्रीशन ज़्यादा होगी। तो उसी को प्रिवेंट करने के लिए हम देते हैं पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। तो मिनरलो कॉर्टिकोइड एक्सेस जब भी होगा टू प्रिवेंट पोटेशियम लॉस हम ये देंगे। और इसमें एक तो अब हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म की एक तो कंडीशन है कि प्राइमरी यू कैन से प्राइमरी मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्सेस है जिसमें कौन सिंड्रोम आ जाता है, और एक सेकेंडरी मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्सेस है जो कि सेकेंडरी टू एनी सिस्टेमिक डिजीज़ होता है। फॉर एग्जांपल हार्ट फेलियर है तो भी एल्डोस्टेरोन ज़्यादा सिक्रीट होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा कोई किडनी डिजीज़ है उसमें भी ज़्यादा सिक्रीशन हो जाएगी। इसके अलावा अगर हेपेटिक सिरोसिस है उसमें भी, तो एक तो सेकेंडरी है और एक प्राइमरी है। तो उन दोनों मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्सेस जहाँ भी होगा उस केस में हम पोटेशियम स्पेयरिंग डायबिटिक देंगे टू प्रिवेंट पोटेशियम लॉस। इसके अलावा जब हम ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन जब हम लूप्ड डायबिटिक दे रहे होते हैं या सीए इनहिबिटर्स या कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स दे रहे होते हैं, तो उसमें भी हमारे पास एक हाइपोकलेमिक सी कंडीशन क्रिएट हो जाती है बॉडी में। तो इन कॉम्बिनेशन विद लूप डायबिटिक्स या इन कॉम्बिनेशन विद कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स हम पोटेशियम स्पेयरिंग डायबिटिक ऐड कर देते हैं उनकी रेजीम में, सो दैट उनमें पोटेशियम लॉसेस डिवेलप ना हो। अदरवाइज हम एक और ये काम कर सकते हैं कि हम पोटेशियम सप्लीमेंटेशन शुरू कर दें पेशेंट्स की ताकि अगेन पोटेशियम लॉस ना हो। तो ये तो ये यूज़ हो गया। सेकेंडरी एक यूज़ मतलब मिनी कैल्शियम मतलब नहीं लिखा हुआ लेकिन भी कैल्शियम लिखा हुआ कि एप्लेरोनॉन जो ड्रग है जो कि अगेन एक पोटेशियम स्पेयरिंग डायबिटिक है, इट इज़ सीन टू डिक्रीज द फाइब्रोटिक एंड इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स ऑफ एल्डोस्टेरोन। ठीक है, तो इसकी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स कम करके डायबिटिक पेशेंट्स हम एल्ब्यूमिनूरिया की कंप्लेन देखते हैं तो वो कम हो जाती है विद एप्लेरोनॉन, क्योंकि वो फाइब्रोटिक और इन्फ्लेमेटरी एक्शंस ऑफ एल्डोस्टेरोन को कम कर रहा है। सेकेंडली इट इज़ ऑल्सो फाउंड टू रिड्यूस द मायोकार्डियल परफ्यूजन डिफेक्ट्स आफ्टर मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो ये मतलब ये दोनों जो इसके इफेक्ट्स हैं ना, ये यू कैन से हमने एक ट्रायल स्टडीज़ की हैं उसके नतीजे में आए हैं, मतलब ये पॉजिटिव इफेक्ट शो हुए हैं लेकिन अभी तक ये प्रूवन नहीं है। ठीक है, तो एक तो एल्ब्यूमिनूरिया इन डायबिटिक्स को कम करता है, सेकेंडली मायोकार्डियल परफ्यूजन डिफेक्ट्स को कम करता है एप्लेरोनॉन। इसके अलावा एक सिंड्रोम होता है लिडल सिंड्रोम। लिडल सिंड्रोम में होता ये कि एक ओवर एक्टिवेशन होती है या ओवर एक्सप्रेशन होता है सोडियम चैनल्स का इन द कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट्स। ठीक है, जिस वजह से अगेन सोडियम का ज़्यादा उसकी रीअब्सॉर्प्शन हो रही है, उसकी पोटेशियम की सिक्रीशन ज़्यादा हो रही है, तो उस कंडीशन में भी लिडल सिंड्रोम में भी हम ये देते हैं अमाइलोराइड देते हैं जो कि अगेन पोटेशियम स्पेयरिंग डायबिटिक है। और इसके अलावा डायबिटीज़ नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडिस में भी हम देते हैं, जो इसमें तो हमने ये देखा है कि नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडिस में तो हम सारे ही डायबिटिक दे रहे हैं। हमने लूप डायबिटिक भी दिए, हमने थायराइड डायबिटिक भी दिया, हमने सी ए इनहिबिटर भी दिया और हम पोटेशियम स्पेयरिंग डायबिटिक भी दे रहे हैं। तो इसके हम वंस अगेन रिवाइज कर लेते हैं जितने भी इसके यूजेज़ हैं। एक तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्सेस है जो कि प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है। देन हमने देखा कि डायबिटिक एल्ब्यूमिन यूरिया को डिक्रीज़ करता है। थर्ड हमने देखा कि ये उसको मायोकार्डियल परफ्यूजन डिफेक्ट को क्योर कर रहा है। ये दोनों एप्लेरोनॉन के एक्शन हैं। देन अमाइलोराइड का एक एक्शन ये था कि ये लिडल सिंड्रोम में दे सकते हैं, और दूसरा एक्शन ये है कि हम इसको नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडिस में दे सकते हैं। दीज वर द एक्शंस ऑफ पोटेशियम स्पेयरिंग डायबिटिक्स। लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो यही है कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्सेस में देना है और इन कॉम्बिनेशन विद लूप या थायराइड डायबिटिक देना है। तो दीज आर द एक्शंस ऑफ पोटेशियम स्पेयरिंग डायबिटिक्स।